सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे फाइनली यार फरवरी की MIUI सिस्टम एप्स के अंदर अपडेट आना शुरू हो गई है, और इससे पहले भी मैंने यार दिसंबर और जनवरी की बताई थी, तो वो यहाँ पे यार कुछ इंटरेस्टिंग फीचर आए हैं इस अपडेट्स के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार नीचे रेड कलर का बटन दबा के कर दो, अगर ऐसी ही और वीडियोज़ देखनी है, और अगर पसंद भी आ जाए यार तो लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट हमको जो कि देखने को मिलता है इस MIUI सिस्टम ऐप के वीक में, तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ सभी का डाउनलोड लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहला अपडेट हमको देखने को मिल जाएगा थीम्स ऐप के अंदर। तो अगर आप थीम्स ऐप में चलोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एनिमेशन वगैरह में चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा रिवैम्प हो गया है यहाँ पे, अगर आपको होम पेज देखने को मिल रहा है, और एनिमेशन देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहां पे अब आपको एक प्रीमियम थीम्स का भी सेक्शन देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम थीम इन द सेंस आपको कोई पेड नहीं करना है, लेकिन ये एक प्रीमियम लिमिटेड एडिशन थीम होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और यहाँ पे आई थिंक अच्छी होती होगी ही क्योंकि इसको प्रीमियम बनाया है शाओमी वालों ने। और इस थीम के वजह से अगर आप डाउनलोड करोगे तो जो थीम को बनाए हैं डेवलपर जो हैं थीम के, उनको भी थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे अदर डिवाइसेस में जैसे ओप्पो रियलमी में आती है उसकी तरह आपको इसमें प्रीमियम थीम को पेड करके नहीं लेना है, आपको सिंपल एक एड वॉच करना है। जैसे ही आप प्रीमियम थीम के ऊपर टैप करते ही आपको यहां पे एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा कि अगर आप इस थीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको एड वीडियो देखना पड़े, जिससे यहां पे जो कि प्रीमियम थीम है आप उसको यूज भी कर पाओगे, साथ ही साथ जो डिजाइनर है उनको भी थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक अच्छी चीज है शाओमी वालों की कि यहां पे आपको रिवॉर्ड जो डिजाइनर है उनको भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको थीम यूज करने का भी मौका दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थीम के लिए पे करना पड़े, जो कि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आपको प्रीमियम थीम देखनी है तो आप इसको होम सेक्शन में देख सकते हो, कभी कभी आपको प्रीमियम थीम देखने को मिल जाएगी। फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है, साथ ही साथ इसमें आपको जो बग्स वगैरह थे उसको भी अब कम कर दिया गया है, और काफी अच्छे से यहाँ पे इंटरफेस भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, लिंक इसका मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरे ऐप की बात करें तो जो आपको मी म्यूजिक ऐप, एक काफी अच्छा ऐप म्यूजिक एप्लीकेशन देखने को मिलता है अगर मुझसे पूछो तो, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑनलाइन हंगामा जो है उसका इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है। हंगामा का इंडिकेशन मिलता है जिससे आपको म्यूजिक लिसनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, इसके बदले आपको कोई भी एप्स नहीं डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो मी थीम ऐप के अंदर, जो कि मी म्यूजिक ऐप के अंदर, उसमें आपको सबसे पहले तो इसका जो एनिमेशन है वो चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, आपको का बड़ा लोगो मिल जाता है, साथ साथ डार्क मोड भी अब आपको मिल जाता है। उसी के अलावा अब आप होम पेज देखोगे तो होम पेज को काफ़ी अच्छे से रिवैम्प कर दिया गया है, और एक अच्छी चीज़ ये है कि एड्स को बहुत कम कर दिया गया है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन में स्क्रॉल करोगे तो यहां पे ये एड्स कुछ भी शो नहीं करता है, बहुत ही मिनिमम एड्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, एक काफी अच्छी चीज यहां पे जो कर दी गई है। और ये आई थिंक ये हंगामा वालों के ऊपर है क्योंकि उन्हीं का ऐप का इंटीग्रेशन इसके अंदर करा गया है। आप यहां पे ऑनलाइन कोई भी म्यूजिक सुनना चाहो आप सुन सकते हो, और आप यहां पे देखो इस तरीके से अगर आप इसको स्वाइप अप करोगे, अगर आपने कोई भी म्यूजिक इस टाइम लगा हुआ है, आपने सुना हुआ है, तो आप इसको ऊपर करके यहां पे टैप करके आप इसको प्ले पॉज यहां पे चेंज कर सकते हो, उसका भी इंटीग्रेशन मिल जाता है। साथ साथ रेडियो वीडियो और अब वीडियो भी वॉच कर सकते हो उसके अंदर, तो उसका भी इंटीग्रेशन यहां पे मिलता है, क्या कि ट्रेंडिंग वीडियो, रोमांस वीडियो और ये सब भी आप यहां पे देख सकते हो। देखने के साथ साथ आपको आई थिंक डाउनलोड करने का ऑप्शन फिलहाल नहीं मिलता है, लेकिन आप वो मी वीडियो ऐप के अंदर जाके कर पाओगे, उसका इंटीग्रेशन मिलता है। और यहां पे सर्च भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा चेंज हो गया है, और चार्ट्स के ऑप्शन में भी यहां पे टॉप 20 टॉप 30 का पूरा इंटीग्रेशन चेंज करके दे दिया गया है, और ये चीज एक काफी अच्छा इंप्रिटेशन आपको मिल जाता है। और यहां पे आप सिमिलर सॉन्ग या लिरिक्स वगैरह भी देख पाओगे, और ये चीज एक काफी अच्छी इंटीग्रेशन में आपको मिल जाती है। उसी के अलावा आपको यहां पे हेडफोन थीम का भी ऑप्शन मिलता है, और ये चीज भी एक अच्छी इंटीग्रेशन मिलती है। अगर आप इस थीम सॉन्ग को डाउनलोड करते हो तो इसमें आपको उसको रिंग टोन बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ये काफी अच्छा मी म्यूजिक के अंदर अपडेट आपको मिलता है।
उसके अलावा तीसरे की बात करें तो ये है हमारा गैलरी ऐप। तो गैलरी ऐप में अब आपको बहुत ज़्यादा रोल आउट देखने को मिल जाएगा सभी डिवाइसेस के लिए मोस्टली। यहाँ पे देख सकते हो एल्बम को अब चेंज कर दिया गया है, तो इस तरीके से एल्बम का एक नया मोड आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप इस तरीके से देख सकते हो पूरा स्क्वायर शेप में कर दिया है। आप कोई भी एल्बम यहाँ पे देखोगे आपको पूरा चेंज यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन है। उसके अलावा अब यहाँ पे मंथली व्यू का तो ऑप्शन आपको देखने को मिल ही जाता है, एक ये भी चीज़ यहाँ पे मिलती है। उसी के अलावा अभी कुछ डिवाइसेस के लिए जैसे Redmi Note 7 है, Note 7 Pro है, उन लोग के लिए यहाँ पे इसी अपडेट के अंदर गैलरी के आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर पॉपअप कलर का और स्काई मोड में 15-20 से ज़्यादा स्काई चेंजिंग मोड का भी ऑप्शन दे दिया गया है, और इसका लिंक डाउनलोड करने का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जितने ऐप में दिखा रहा हूँ आप सबको डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से आप इनको यूज़ भी कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। उसके अलावा अगले ऐप की बात करें तो अगला ऐप हमको देखने को मिलता है MIUI पैकेज इंस्टॉलर। तो पैकेज इंस्टॉलर आपको देखने को मिलता था, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं करा गया है, लेकिन आप जैसे ही अब ऐप को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद ही आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा एड्स तो आप देखने को मिलते ही मिलते हैं, जैसे हमको पहले भी देखने को मिलते थे। उसी के अलावा अब यहाँ पे आप देखोगे स्कैनिंग गैलरी में आपको यहाँ पे थोड़ा बटन का लेआउट थोड़ा चेंज करा गया है और यहाँ पे एड्स का भी लेआउट थोड़ा चेंज करा गया है, और आप यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करके कि कौन सा ऐप कितना क्या वर्जन है, और पूरे इसकी सेटिंग्स में आप यहाँ पे जा सकते हो, तो इसको भी एक इंटीग्रेट करा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अब आपको क्लाउड वायरस एक्टिवेट भी कर दिया गया है कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और क्लाउड वायरस स्कैन होगा एवरी टाइम जब आप यहाँ पे कोई ऐप इंस्टॉल करो, तो ये भी एक नया सेटिंग ऐप के तौर पर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा बात करें एक और ऐप अपडेट की, तो वो अपडेट है हमारा क्लॉक ऐप में। अगर आप क्लॉक ऐप ने देखा होगा तो यहाँ पे उस नए लेटेस्ट क्लॉक ऐप में काफी मिनिमल डिजाइन कर दिया गया है, जैसे कि अब आपको चारों चीजें एक ही पेज में देखने को मिल जाएगी। पहले हमको जो लास्ट वाला था उसको नहीं दिखाई देता था, जब आप स्वाइप करते थे तब दिखाई देता था, अब इसको सिंपली ऐप के आइकन के तौर पे कर दिया है जिसको आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे पहले अलार्म है, फिर क्लॉक है, फिर आपको स्टॉप वॉच और ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे इसको यूज कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। साथ ही साथ सेटिंग्स में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, रिंगटोन और टाइमर और रिंगटोन वॉल्यूम वगैरह का भी एडजस्टमेंट मिल जाता है, अलार्म सेटिंग भी आप यहाँ पे कर पाओगे, तो इसको भी एक तरीके से थोड़ा रिवैम्प करके आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे लास्ट अपडेट की बात करें तो फिर से जो कि MIUI सिस्टम ऐप है उसको यहाँ पे रोल आउट करा जा रहा है, जिसके अंदर आपको अब ऐप ड्रॉअर का फाइनली सपोर्ट मिल जाएगा। ये सिस्टम ऐप है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके में आ गया है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आया है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको अपडेट कर सकते हो और आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे ऐप ड्रॉअर आ जाएगा इसी ऑफिशियल रिलीज के अंदर, जो कि एक काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंटेशन Xiaomi वाले फाइनल यहां पे कर रहे हैं कि आपको ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को अपडेट ऑलरेडी शो हो गई है, अगर आपको नहीं हो रही है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप अपडेट कर सकते हो और विदाउट एनी प्रॉब्लम यूज कर सकते हो। मैं भी उसको यूज कर रहा हूं, काफी अच्छा यहां पे देखने को मिलता है। वेदर ऐप जो है Xiaomi का, उसके अंदर भी एक और नया अपडेट आ गया है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करते ही आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि जो आपको बैकग्राउंड में पहले वेदर की इन्फो टाइप का देखने को मिलता था, जो एनिमेशन रहता था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा गया है। देख सकते हो अभी सन टॉप पे है तो सन का यहाँ पे अलग से आपको दिखा रहा है और एनिमेशन भी इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। उसी के अलावा यहाँ पे और भी कई सारा चेंजेस इसके अंदर करे गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरे, अगर यहाँ पे वेदर में आपको दूसरा देखने को मिलता है और इधर भी आप चेंज कर सकते हो किस तरीके से वेदर है, इसको तो लगा ही सकते हो। साथ ही साथ अब आप नीचे जो भी डे पे टैप करोगे तो उसकी भी इन्फो में यहाँ पे एनिमेशन वगैरह चेंज करे गए हैं, लेआउट को भी चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे AQI लेवल भी अब आपको दिखाता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि कैसा एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कितनी खराब है एयर आपके एरिया में, कितनी अच्छी है, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे इसके अंदर दिखाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे अब इम्प्रूवमेंट इसके साथ किया गया है कि आपको जो वेदर यहाँ पे दिखाए वो बिल्कुल सही दिखाए और कुछ खराबी ना हो उसमें, मतलब एक्यूरेट वेदर यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इसको बनाया, पूरा फिक्स करा गया है। उसी के अलावा
अलावा एक आखिरी ऐप है, और वो ऐप है जो कि आई थिंक बहुत सारे कम लोग अब यूज़ करते हैं, ऐप है FM रेडियो। तो अब FM रेडियो एप्लीकेशन को ज़्यादा कुछ वैसे तो अपडेट नहीं आती है और आ भी क्या सकती है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप हेडफोन लगाते थे पहले तभी FM चलता था और अपडेट के बाद अब बिना हेडफोन के चल जाएगा FM, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन ही एंटीना आपका हेडफोन का है। तो इसी तरीके से लेकिन यहाँ पे चेंज थोड़ा सा UI में इसके करा गया है कि अब आप यहाँ पे देखोगे तो डार्क मोड सपोर्टेड आपको ये FM रेडियो ऐप देखने को मिल जाता है। फुली डार्क मोड सपोर्टेड है, अगर आपके फ़ोन के अंदर डार्क मोड है तभी आप इसको एनेबल कर सकते हो, ऐसा कोई अलग से सेटिंग नहीं है। अगर आपके फ़ोन के अंदर डार्क मोड नहीं है तो ये आपको डार्क मोड में नहीं देखने को मिलेगा, अगर डार्क मोड है तो आपको डार्क मोड में इसके अंदर देखने को यहाँ पे ये मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर इंटरेस्टिंग अब वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक शेयर कर दो, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो उसको भी आप कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो में, और सारे ऐप का डाउनलोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।